Welcome for another legal topic. How oversees a foreigner execute GPOA, General Power of Attorney? How oversees a foreigner can execute General Power of Attorney? देखिए power of attorney या general power of attorney same process है, same procedure है कि अगर कोई पाकिस्तानी या कोई foreigner पाकिस्तान में यूज करने के लिए कोई property है, कोई case है या जनरल पावर है या स्पेशल पावर है या किसी रिलेटेड से मुतल पावर है, तो उसको वो कैसे एग्जीक्यूट करेगा? बाहर रहता है, दूसरे कंट्री में रहता है या फॉरनर है, उसको ज़रूरत है या पावर अटॉर्नी, तो वो पावर ऑफ अटॉर्नी किस तरीके से एग्जीक्यूट करेगा, पावर अटॉर्नी किस तरीके से बनाएगा? देखिए पावर अटॉर्नी या जनरल पावर अटॉर्नी या स्पेशल पावर अटॉर्नी, वो जो है उसका तरीक़ेकार दो है। एक तो ये है कि पाकिस्तान में एक तो पहले स्टैंप ड्यूटी, अब स्टैंप ड्यूटी दो तरीके से आप पे कर सकते हैं, या तो स्टैंप ड्यूटी आप पहले पे करें या स्टैंप ड्यूटी आप बाद में पे करें। पहले पे करने का प्रोसीजर ये है कि उस मुतलका जो वो है उस पर एक डॉक्यूमेंट्स एग्जीक्यूट किए जाए, या तो स्टैंप ड्यूटी लगाई जाए या स्टाम्प पेपर भी उसके अल्टरनेटिव प्राइस की आप परचेज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जनरल पावर अटॉर्नी की जो वैल्यू है वो 5000 है, तो 5000 का स्टाम्प पेपर भी परचेज कर सकते हैं, या आप सिंपल कागज़ पर आप पावर अटॉर्नी आप उसको ड्राफ्ट करें और उसके बाद स्टम्प पावर से उसे अफेक्ट करें, स्टैंप ड्यूटी टिकट लगवाएं, ये है प्रोसीजर। अब उसके बाद इस पावर अटॉर्नी को आप भेजें, बाहर भेजें, जिस कंट्रीज में जो रहता है प्रिंसिपल जिसने पावर ऑफ अटॉर्नी देनी है वहां भेजी जाएगी, और उसके बाद वो जो पाकिस्तान हाई कमिश्नर है, पाकिस्तान एम्बेसी है, या फिर पाकिस्तान का कौंसल जनरल है, पाकिस्तान का हाई कमिश्नर है, या पाकिस्तान के एम्बेसडर है, उसके पास वो जाएगा और वहाँ जो कि अपने साइन अटेस्ट करेगा, उनके सामने वो पावर ऑफ अटॉर्नी पर साइन करेगा, दो विटनेस साइन करेंगे, वो साइन करेगा, और जो पाकिस्तान एम्बेसी या पाकिस्तान हाई कमिश्नर या एम्बेसडर है या कौंसलेट है, वट एवर है, तो वो उसको जिसको अख्तियार है अटेस्ट करने का, वो उसको अटेस्ट करेगा। बेसिकली वो उसके सिग्नेचर को उसको आइडेंटिफाई करेगा, उसको अटेस्ट करेगा कि फलां शख्स ने मेरे सामने ये साइन किए हैं, और उसके बाद वो अटेस्ट करने के बाद वो पावर ऑफ अटॉर्नी आप यहाँ पाकिस्तान में आएगी, आप इसको काउंटर साइन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से, मूफा मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से इसको आप काउंटर साइन भी करा सकते हैं, या फिर आप नहीं कराते तो ऐसा कोई मसला नहीं है, खुद भी उसकी वेरिफिकेशन हो सकती है। अब उसके बाद जो आपने काम करना है, मसला इस पर आपने कोई आगे सेल डीड करनी है इसे, या कोई आगे आपने कोई ट्रांजेक्शन करनी है, तो आप रजिस्ट्रार के पास जाएंगे, उस बेस पर करेंगे, रजिस्ट्रार उसकी वेरीफाई कर सकता है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से कि वाकई ये ओरिजिनल है, इसके साइन सही है, तो वो उसकी वेरीफाई हो सकती है। एक प्रोसीजर ये होगा। दूसरा प्रोसीजर ये है जो शॉर्ट प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर यही है कि आप जनरल पावर अटॉर्नी को अटेस्ट करेंगे, सॉरी जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी को आप क्रिएट करेंगे, आप उसको ड्रॉफ करेंगे, और उसके बाद आप ईमेल करेंगे जो कि बाहर मौजूद है ओवरसीज पाकिस्तानी या फॉरनर, उसको ईमेल करेंगे, वो ईमेल को प्रिंट करेगा, वो सादा पेपर होगा, और उसके बाद वो एम्बेसी जाएगा, एम्बेसी से अटेस्ट कराएगा, अटेस्ट करके वापस भेजेगा, और वापस जो ही आएगी तो आपको फिर स्टैंप ऑफिस में उसकी स्टैंप अफेक्शन करानी है, स्टैंप ऑफिस जाएंगे, स्टैंप ऑफिस की जो मुतलका ड्यूटी है, चाहे 500 है या 5000 है, जनरल पावर है या स्पेशल पावर है, वो आप पे करेंगे, और उसके बाद वो तैयार होगी, आप उसको फिर वो भी कर सकते हैं, आप इसको काउंटर साइन मिनिस्ट्री फॉरेन अफेयर से भी करा सकते हैं, या फिर उसके बाद प्रिंसिपल, उसका प्रिंसिपल के बाद उसका सिग्नेचर होंगे, एजेंट के सिग्नेचर होंगे, तो वो पावर ऑफ अटॉर्नी कंप्लीट होगी। अब इसमें अगर वो पाकिस्तानी, अगर वो पाकिस्तानी पर्सन है, पाकिस्तानी सिटीजन है, तो पाकिस्तान एम्बेसी उसको डायरेक्ट आइडेंटिफिकेशन पर उसको अटेस्ट करके दे देगी। लेकिन अगर वो पाकिस्तानी नहीं है तो फिर फॉरनर है, तो फिर वो पहले अपने मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर जो है वो उनके पास जाएगा, वो उनको अटेस्ट करेंगे, फिर उसके पास पाकिस्तान एम्बेसी उसको काउंटर साइन करेगी, फिर वो भेजेगी, तो फिर वो यूज़ हो सकेगी पाकिस्तान में किसी भी चीज़ के बारे में, कोई ख़ास पर्पज़ के बारे में है, केस के बारे में, या फिर किसी प्रॉपर्टी की सेल के बारे में है। ये था हमारा आज का टॉपिक कि हाउ ओवरसीज या फॉरनर कैन एग्जीक्यूट जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी। हैव अ नाइस डे, बाय।